हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है डीके वंदना के ब्लॉग्स पे। तो आइए फैमिली, हम अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो फैमिली, शाम का टाइम हो गया है और वंदना जी का फोन आया है। उनकी भाभी आई हुई है बनारस से, तो मुझे जाके उनको लेना है। उनको पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, उनकी लड़की नेहा है, तो वो यहीं रहती हैं, दिल्ली में जॉब करती हैं। तो उनकी मम्मी आई हुई हैं बनारस से, तो कल उनका ट्रेन है तो वो चली जाएंगी। तो वंदना जी का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कि उनको जाइए पिकअप करके ले आइए रूम पे, नहीं तो वो चली जाएंगी। तो शाम का टाइम हो गया है, अब कल वो चली जाएंगी, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ उनको पिकअप करने। रहिएगा हमारे वीडियो पर, चलिए काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं फटाफट पहुँचता हूँ उनको पिकअप करने के लिए। तो फैमिली, मैं पहुँच गया हूँ भाभी के घर उनको पिकअप करने के लिए, और उनका मकान काफ़ी अंदर है। तो उन्होंने बोला कि मैं देखी भी नहीं हूँ, मैं नहीं आई हूँ, और उनकी लड़की जो है वो जॉब करने गई है। तो मैं बैठ के उनका वेट कर रहा हूँ, तो उनके बगल में एक लड़का है, वो बोला मैं छोड़ देता हूँ, तो वो लेके आ रहा है, मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला भी कि अगर दिक्कत हो तो मैं ही अंदर आ जाता हूँ गाड़ी खड़ा करके। करे नहीं, आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उनको आएंगी तो मैं दिखाऊँगा वीडियो में। चलिए बने रहिएगा आप लोग। देखो कितनी लंबी। तो भाभी को लेके आ गया हूँ, ये देखिए सब एक दूसरे का पैर छू रहे हैं। तो यहाँ भाभी जी आ गई हैं और वंदना जी भाभी जी को पाके काफी खुश हैं। कैसा लगा जी? अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा बिजी है ना, वो लगा रहे हैं। अच्छा, यानी भाभी जो बातें बोल रही है अब सुन नहीं रही हो। अच्छा, क्या बोली, क्या बोली भाभी? सामने मकान है, साथ में रहती है। हाँ, अच्छा, हम गए फोन पे लगी हुई है। तो ये नेहा की सिस्टर है, छोटी है ना नेहा से, नेहा से छोटी है। कोई नहीं, हो जाएगा। अब भाभी जी देखिए, पहले हम लोग जब गए थे तो शादी में तो थोड़ा हेल्थी थी, अब सही है। तो भाभी का स्वागत है हमारे रूम में। कैसा रूम है भाभी हमारा? गांव में तो हमारा कोई रूम नहीं है, यहाँ पे रूम है। अच्छा। भी है, लेकिन वहाँ रहते नहीं तो बना सुनाकर नहीं रहते हैं। सही बात है भाई, जहाँ आदमी रहेगा वही करेगा। अच्छा भी नहीं है यहाँ पे, देखिए वंदना जी सजा के रखी हैं पूरा रूम। सही, अच्छा है, कहती है जब यहीं रहना तो यहीं सजा के रखेंगे। देखिए भाभी जी यहाँ लाई है, मिठाई लाई है बच्चों के लिए, बच्चों को ढेर सारा चिप्स लाए। जाओ ऋषभ, ऋषभ को ज्यादा पसंद है, जाओ। ये तो खुश हो जाएगा कि मेरे लिए चिप्स आया हुआ है। देखो ऋषभ के लिए क्या लाए हैं। ऋषभ के लिए चिप्स, नमकीन। कल भी लाए थे ढेर सारा, खत्म कर दिए क्या लोग? अच्छा, पनीर ले लिया हूँ, जा रहा हूँ घर पे, दिखाते हैं हम लोगों को। तो ऋषभ के नोज में देखिए, देखिए अभी तक ठीक नहीं हुआ, काफी बेचारा दर्द। इधर देखे, यहाँ पे इसको देखो दाद भी हो गया, दिखाओ इधर, इधर घूमो, यहाँ देखिए दाद हो गया। अब मेरे पास ये वाला जो क्रीम है ना, बहुत ही अच्छा क्रीम है ये वाला, बहुत होती है। तो यहाँ देखिए इसके पापा ऋषभ दाग हो गया, क्या बोलते इसको, दाद तो हो गया था। तो ये बच्चों पे बहुत ध्यान देते हैं पति देव लोग अपने अपने बच्चों को। और इधर भाभी जी बैठी हैं, देखिए आई है भाभी जी की, देखिए इतनी बड़ी बड़ी बेटी है, अब शादी यदि पड़ेगी नहीं। और इधर इधर नाश्ता करे, चलो नाश्ता पानी कर लिए थे, लाइन आने में लेट हो गए थे। तो चलिए गाइस जुड़े रहिए इधर, बाप जगह चंदन चंदन तो गए। तो फैमिली यहाँ पे देखिए, कुछ पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। क्या देख रही हैं आप लोग? फोटो दिखा रहे हैं, फोटो देख रहे हैं। अच्छा, फोटो सब दिखा रहे हैं। तो भाभी अपना फोटो दिखा रही हैं, जो बर्थडे का था, करवा चौथ का और दीपावली का, सब फोटो दिखा रही हैं इनको। तो क्या बना रही जी? पनीर लाए, पनीर बनाओगी? और कुछ? और कुछ क्या बने, बाबू फोन है। पनीर के साथ कुछ मीठा हो जाए, क्या खीर खाओगे? सेवई, खीर, सेवई ले। सुतफेनी है ना, सुतफेनी अच्छी लगती है, सुतफेनी है ना, सुतफेनी खत्म हो गया है। तब और कुछ वाला खीर बनाते थे, कोमल बनाते थे, इतने टाइम लगता, चावल भिगोए नहीं, सूखे ही गए। खोआ भी लाना पड़ेगा उसके लिए। जाने दीजिए, परेशान मत होइए आप लोग।
आप कौन सा रोज आ रही हैं परेशान? क्यों हम लोग इतना खुश होते हैं कि हमारे घर पे देखिए सब लोग कितने खुश हैं। कितनी खुश हो जी आपकी भाभी आई। हमारे घर में से कोई आता ही नहीं, जब कोई गांव से आता है तभी कोई आते हैं, कोई आता कोई रहता ही नहीं, रिश्तेदार हमारे दिल्ली में जो भाई दूर है। इतने दिन रहते रहते बोर हो जाते हैं हम लोग, कोई आता तो मन भी लग जाता। देखो बच्चे भी कितने खुश हैं, अभी इनकी दीदी आ जाएंगी वो नेहा, तब इनका देखो और मन। हाँ पहले तो पकड़ के खूब रोने लगेंगी जब जाएंगी, तो रोगी क्या जब नेहा जाएगी तो बहुत जल्दी रोती। रूम क्या किराए पे लेना, कोई खरीदना थोड़ी है, मिल जाएगा रूम। अब हम लोग का नया नया साथ, अरे सिर्फ नेहा थी तो नेहा जॉब करने के लिए आए, हस्बैंड वाइफ थी। तो फैमिली हमारे घर में राशन जो आया था थोड़ा बहुत खत्म हो गया है, आटा खत्म हो गया है और चाय पत्ती हूँ दुकान पे, आटा चीनी और चाय पत्ती लेके आता हूँ। मेरा सामान हो गया। शेर जी पूछ रहे हैं चैनल चला रखा है क्या, ये ऋषभ के लिए मैंने ले लिया क्लोजअप, तो ऋषभ सुनाची यही करते हैं इसलिए ले लिया, हम लोग तो रेड वाला करते हैं। ये देखिए सामान फिर इसी दुकान पे आया, मैं यहीं से ले जाते हैं सामान। तो फैमिली मैं राशन लेके आ गया हूँ, फॉर्चून आटा लाया हूँ। ये देखिए हम तो वो नेचर फ्रेश आटा यूज करते लेकिन वो मिला नहीं तो फॉर्चून लाना पड़ा। तो वंदना जी सज धज के लग गई हैं किचन के कामों में। हाँ लग गए, बिल्कुल लग गए हैं, क्योंकि ये सब्जी और ये मतलब पुलाव किट्टो बनाई है और हम बनाने जा रहे थे जैसे सेवई और खीर वगैरह और या कचौड़ी बनाए, तो भाभी हमारी मना करी क्योंकि हम करे हम लोग तीन गिरा से जब से आए हैं घूम रहे और कल उनको बर्थडे पार्टी में जाना था तो वहाँ भी सब ये चीजें खा लिए ना, तो बोली है कि हम लोग के लिए प्लेन रोटी सेक दो, तो रोटी रहेगा पुलाव रहेगा और ये रहेगा सब्जी पनीर का। और वैसे प्लेन रोटी अच्छा लगता है ज्यादा, पूरी पराठा ये सब खाना पेट खराब हो जाता है, सब सब खाए पिए ना पेट खराब हो जाता है खाना। और नॉनवेज वगैरह तो बना नहीं सकते अभी क्योंकि पूजा चल रहा है सब चीजें, तो अभी हम बनाने जा रहे हैं फिर गरम गरम बनाएंगे किचन में खिलाते हुए रहेंगे। जब देखो तब कमरिया कमरिया यही गाना, अब कमरिया देखो एक कमरा लगता कमरा है पूरा है, क्या करें जिसके नहीं वो भी तरसते जिसके है तो तरसते, वो तो परेशान है। इसको कमरिया बोलेंगे, कमरा बोलते हैं इसको, कमरा ही जरूरत है सोने के लिए, कमरा ही मिलता है। वैसे मोटे लोग अगर डांस करते हैं ना ज्यादा अच्छा लगता है, पतले लोगों से ज्यादा अच्छा मोटे लोग अच्छा डांस करते हैं। तुझको ले जाऊंगा तेरे बाप के घर से, तेरे बाप के घर से, तेरे बाप के घर से। इनको तो भोजपुरी फिल्म में भर्ती हो जाना चाहिए। चलो मैं रोटी बनाने रील बनेगी मंदिर के गेट पे, रील बनी मंदिर पे जाके पिया। ऋषभ गा रहा शॉपिंग करा दे, शॉपिंग करा दे राजा पिज्जा। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे, जब हम खाना वाना खाएंगे दिखाएंगे आप लोगों को, जुड़े रहिएगा हमसे। देखिए हमारे घर पहली बार आए हैं नए मेहमान, नहीं पुराने नहीं हमारे घर पे नए हो, विनय के घर पे थी तो हमारे घर पे पहली बार आई हो ना, तो सोनाक्षी मिल लो, सोनाक्षी काफी ज्यादा मिस करती है नेहा को। क्या कब का मिले, कब का मिली हो, फोन पे मिली हो ना? नहीं मामा के यहाँ। अच्छा तो चलिए चलिए यहाँ पे मैं लाइट भी दिखा रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, चलने की घड़ी आ गई है। इन लोगों को इतना रोका लेकिन ये लोग रुकी नहीं, कह रहे नहीं जाएंगे हमें जॉब करना है सुबह। भगा नहीं रहे हैं घर से ये लोग, जा रहे हैं अपनी मर्जी से, जॉब जॉब करके ये लोग परेशान हो गए। हाँ यार तो फैमिली हम वंदना की भाभी को छोड़ने गए थे, छोड़ के हम लोग वापिस आ गए। यहाँ देखिये ऋषभ भी साथ में गया था, सोनाक्षी और उनकी मम्मी भी गई थी, मैं तो अकेले जाने वाला था लेकिन फिर ये लोग बोले कि चलो हम लोग भी साथ में चलते हैं, रूम भी देख लेंगे, तो हम लोग छोड़ के वापस आ गए हैं। अब अपने रूम पे पहुंच गया और टाइम हो गया है 12:15 और देखिए बच्चे अभी तक जाग रहे हैं, बच्चों का भी मन लगा रहता है क्या करें, ये लोग भी रूम पे उठ जाते हैं सोचते हैं चलो घूम लेते हैं, तो गए घुमा दिए, अब घूम के हम लोग आ गए हैं 12:15 हो गया है, तो हम लोग फैमिली चलते हैं घर पे, हम लोग सोते हैं, तब तक करते हैं बाय बाय गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।